When I came to Noida 30 years back, and after very big seed capital of 600 rupees, I was invited to Japan to deliver a talk on this issue. They raised a form that, please fill up a form that what was your seed capital when you started your business. I started writing 600 rupees. End of the day, it was written that write in US dollars. It got converted into $15. They wanted to see that what can be done with $15. But let me tell you a secret that how I turned. I was sharing my vision with Dr. H.P. Kumar that how I turned into an entrepreneur other than a professional. I was hearing that I was coming from a school. They said that professional and being a passionate. We may be a good engineer, good professional. But other than that, if we had a passion about doing something, delivering something to this society who has given us recognition, who has given us everything to this, I think we can save through. और मैं जब हमने पहला टारगेट बनाया कि बजाज स्कूटर मिल जाए, मुझे शादी में दहेज में नहीं मिला. मैंने कहा बजाज का स्कूटर मिल जाए और 10,000 रुपये महीना कमाने को मिल जाए आज से 30 साल पहले तो जिंदगी अच्छी हो सकती. और जब 10,000 की जगह 50,000 और 1,00,000 रुपये मैंने कमाने शुरू कर दिया तो आपने यही दोस्त जो आज मदरसन सुबह सिस्टम इट्स अ ग्रुप ऑफ अबाउट 12,000 करोड़ शुरू आते हैं सीट कैपिटल ऑफ 1,00,000 रुपीज एट दैट टाइम. और इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि नोएडा ने उनके फादर को किडनैप किया उस वक्त उनसे 3 करोड़ रुपये मांगे थे छोड़ने के 3 करोड़ रुपये दे. उन्होंने फादर और बच्चों को तो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दिया लेकिन उनका मुझे इनको देने के लिए 3 करोड़ रुपये इकट्ठे करने पड़े. ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है इस नोएडा शहर का. इस नोएडा शहर ने सबको दिया है और जिस मैं समझता हूं कि सिर्फ नोएडा से नहीं उत्तर प्रदेश से एंटरप्रेनर्स आए साथियों ये हम लोगों की कर्मभूमि है और इस कर्मभूमि के लिए हमें कुछ करने के लिए या कुछ इससे कुछ पाने के लिए हम पहले अपने तरफ से कुछ इसको डिलीवर करें. यहाँ का एटमोस्फियर सुधारें एक कंड्यूसिव एटमोस्फियर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. आज इस शहर नोएडा एक यूपी की शान है और जिसके बारे में यह है कि उत्तर प्रदेश का आधा रेवेन्यू नोएडा से जाता है. लेकिन अगर इस शहर की कहीं जब मैं सवाल उठाता हूं कि इस शहर की नोएडा न्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडस्ट्री के नाम पर इस शहर की बसावट हुई लेकिन सच्चाई ये पिछले 7 वर्षों में एक भी इंडस्ट्री यहां नहीं लगी.